और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के आज होने वाले जलसे की। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद पिशावर में भी पीटीआई कारकुन बेकाबू हो गए। कारकुनों ने जलसे में शिरकत के लिए आने वाली खातून से बदतमीजी की है। मॉडल और अदाकारा ऐनी खान पिंडाल पहुंची तो कारकुनों ने उन्हें घेर लिया। इसी बारे में जानेंगे आरिफ हयात से। आरिफ बताइएगा, इंतजामिया का कोई मौकफ सामने आ सका? जी बिल्कुल, मॉडल आया एनी जो थी वो यहाँ पर आई हुई थी, जिसकी जिससे यहाँ पर जितने भी कारकुनान थे वो मुस्तैले हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी की उस मॉडल के साथ, वो यहाँ से बिल्कुल रोते हुए वापस चली गई। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खातून सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं इमरान खान के इंतजार में, कब उसे सिखलाएंगे और इस्लामाबाद स्पेशली आई हुई है। उनसे अब की बात करवाते हैं कि जलसे में पाबंदी भी है खवातीन पर। एनी मॉडल आई हुई थी उसके साथ बदसलूक था। कप्तान भी पेशावर पहुँच गए हैं, कुछ देर बाद जो है वो जलसा गांव पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो मतवाले हैं काफी पुरजोश यहाँ पर मौजूद है। पंडाल बिल्कुल सज गया है। जी अच्छा आरिफ, ये बताइए कि कप्तान की आमद कब तक मतवके है और जलसा कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, कप्तान जो है वो पेशावर पहुंच गए हैं लेकिन जलसागा नहीं पहुंचे हैं। अभी वो पेशावर में हैं और जो है कुछ देर बाद जो है वो इधर जलसागा पहुंच जाएंगे। अभी जो है उनके जो मशहूर स्टेज के सेक्रेटरी हैं फैसल, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी वो भी पहुँच गए यहाँ पर है। तो पूरा नादर बाईपास है, वो बिल्कुल भरा हुआ पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा से पूरे सूबे से यहाँ पर लोग आए हुए कप्तान के इंतजार में है कि कब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी किरदार तब्दील करेंगे। अभी जो है मुकम्मल तौर पर रेडी है बस इमरान खान, कुछ ही पल में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ हयात।